दोस्तों, स्वागत है आपका इसके रिलियंस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कि मैंने आपको कल बताया था कि जो आवेश होता है किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी क्षेत्रफल पर, देख लीजिए आयतन में, देख लीजिए लंबाई के अनुदिश, देख लीजिए किस प्रकार वितरित होता है और उसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है, कल हमने क्या जान लिया था? विद्युत फ्लक्स के बारे में जान लिया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो आवेश होता है वो किस प्रकार किसी पृष्ठ में, किसी आयतन में, किसी लंबाई में किस प्रकार वितरित होता है। ठीक है, तो देखिए, आवेश आवेश को बेसिकली हम क्या मानते हैं? आवेश एक, देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? क्वांटीकृत वाली। क्वांटीकृत मतलब डिस्क्रीट, कि मतलब कोई भी वस्तु ले लीजिए, ये कि इसमें आवेश कुछ है, इतने पार्ट में कुछ है, इतने पार्ट में कुछ है। ठीक है, कि इसमें दो एक गुलाम मान लीजिए, इसमें दो गुलाम, इसमें तीन गुलाम, इसमें चार गुलाम। ठीक है, लेकिन हम यहां पर क्या मानते हैं? इसको चार्ज को एक कंटिन्यूअस लेकर मानते हैं। ठीक है, तो चार्ज कंटिन्यूअस मतलब कि जो भी पृष्ठ होता है, कोई भी छड़ ले लीजिए, कोई भी क्षेत्रफल ले लीजिए, कोई भी आयतन ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, हम आवेश को जो इस चैप्टर में क्या मानते हैं? कंटिन्यूअस, सतत। ठीक है, कंटिन्यूअस किसको मानते हैं? चार्ज को। अब देखिए, कल हमने ये देखा था कि जो पृष्ठ होता है, इसमें आवेश बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर कूलाम का नियम तो क्या लगा नहीं सकते, हमारे लिए इस पर फोर्स ज्ञात करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं? गॉस लॉ, गॉस लॉ यूज करते हैं। ठीक है, अब गॉस लॉ में भी क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस पर पूरा टोटल मान रहा हूं एक गुलाम आवेश। देख रहा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था पहले, एक गुलाम आवेश है। अब आपको यह पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? किसी वस्तु में अगर आवेश का मान एक गुलाम है, ठीक है, एक गुलाम तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए यहां पर एक गुलाम भी दे सकता है, एक नैनो गुलाम भी दे सकता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो एक क्या होता है? क्यू बराबर एन ई, ये रिलेशन याद रखना आप, क्यू बराबर एन ई। अगर आपको आवेश दे दे, चार्ज दे दे पर्टिकुलर किसी भी वस्तु पर, उसके पृष्ठ में भी हो सकता है, उसके आयतन में भी हो सकता है, उसकी लंबाई में भी हो सकता है, वस्तु कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें हमारे को अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो एन यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये मानता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10^10 -19 कूलाम। ठीक है, यह होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए यहां पर एक कूलाम तो एक रख दीजिए, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन का ये आवेश रख दीजिए, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, बहुत है कि एक कूलाम तो आवेश बहुत ज्यादा होता है, तो हम यहां पर आवेश की मात्रा को किस में लेते हैं? नैनो कूलाम में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो चार्ज होता है वो किसी वस्तु पर किस प्रकार उपस्थित होता है। क्या माना मैंने इसको यहां पर? डिस्क्रीट नहीं माना। क्या माना? कंटिन्यूअस माना। ठीक है, अब देखिए, सतत
आवेश वितरण सत्तावेश वितरण। देखिए किसी भी वस्तु पर आवेश को हम क्या मानते हैं, सतत कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये किस प्रकार किसी वस्तु पर उपस्थित होता है, तो देखिए वस्तु की कुछ लंबाई भी हो सकती है, वस्तु का कुछ क्षेत्रफल भी हो सकता है और वस्तु का कुछ आयतन भी हो सकता है। तो आवेश का वितरण हम कितना हो गया, यहां पे तीन प्रकार हो गए आवेश के वितरण के, देखना। एक तो लंबाई के अनुदिश और ये क्षेत्रफल के अनुदिश, और ये आयतन के अनुदिश। अब यहां पर हम चार्ज ना लेकर चार्ज की क्या लेते हैं, डेंसिटी मतलब घनत्व। देखना इन तीनों में क्या फर्क होता है, सेम होता है बस, इसमें लंबाई का फर्क है, इसमें क्षेत्रफल का फर्क है और इसमें आयतन का फर्क है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसकी लंबाई इसमें क्या है, L मान लीजिए, और इस पर आवेश क्या है, क्यों है, ठीक है, आवेश क्या है, क्यों है। अब मान लीजिए कि वस्तु की लंबाई बहुत अधिक है तो हम उसको एक साथ तो कर नहीं सकते, तो हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं ये, तो इस पर चार्ज क्या हो जाता है dq और लंबाई क्या हो जाती है dl, ठीक है। यही करते हैं हम, बाद में क्या कर देते हैं हम उसका समाकलन। तो देखना यहां पर सिंपल है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो यहां पर जो ये घनत्व होता है ना, आवेश घनत्व है लंबाई के अनुदिश, तो लंबाई के अनुदिश आवेश घनत्व को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं और उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। लेमडा देखना कि इसकी लेंथ पर, कि इसकी पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है आवेश घनत्व है, ठीक है। तो dq अपॉन dl ये हो गया। अब ये आ गया आवेश घनत्व, लंबाई के अनुदिश आवेश घनत्व, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या, क्या कूलम, और इसका मात्रक क्या, मीटर। तो ये किसका है, इसका क्या हो गया, मात्रक, ठीक है। तो ये तो हो गया लंबाई के अनुदिश घनत्व आवेश घनत्व, और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इस इसमें हम क्षेत्रफल ले रहे हैं तो क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या घटकों में विभाजित कर लेते हैं, ऐसे कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इसको, अब पूरे का तो क्षेत्रफल क्या हो गया, एस, ठीक है, एस दिस, और ये जो हमने गठक लिया ये वाला, इसका हमने क्षेत्रफल माना डी एस, और फिर इस पर आवेश क्या हो गया डी क्यू, पूरे पर टोटल चार्ज कितना माना हमने क्यू। अब इतना लिया, वस्तु क्या इंफिनिटी, जिसे हम नाप नहीं सकते, तो लास्ट में क्या करते हैं हम इसका समाकलन करके इसकी जो लिमिट होती है ना वो लगाकर क्या कर लेंगे, इसमें टोटल आवेश घनत्व, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश घनत्व, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से हमेशा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d
डी क्यू अपॉन डी एस। अब देख रहा सरफेस आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलम्ब और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका पृष्ठीय आवेश घनत्व का क्या हो गया? मात्रक। अब एक देख लेते हैं क्या लास्ट बच गया हमारे पास में, आयतन के अनुदिश घनत्व। तो इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी बॉक्स है, ऐसे बॉक्स बना लो एक। अब इसमें ये बॉक्स था, अब देखो इसमें आवेश का पूरा टोटल चार्ज हमने क्यों माना, क्यों, और इसका पूरा वॉल्यूम कि बॉक्स है उसका आयतन होता है, तो इसका वॉल्यूम V मान लिया हमने। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि हम एक साथ पूरे का तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं इसको गठों में, पहले मैंने बताया था कल वाली क्लास में आपको। ठीक है, अब जैसे एक इसमें से थोड़ा सा गट्ठे काट लो, ये ले लो, ठीक है, और ये, तो ये हो गया। अब ये इसका थोड़ा बहुत गट्ठक हो गया। ठीक है, अब इस पर मैंने आवेश क्या माना? डी क्यू, और इसका वॉल्यूम क्या माना? डी वी। ठीक है, वॉल्यूम। अब देखना जो इसका आयतन आवेश घन तो होता है ना, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, घनत्व, तो उसको मैं किससे डिनोट करता हूं? रो से। तो रो यहां पर क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन, और आवेश किस पर वितरित है आयतन में? तो यहां पर डीवी। अब इसका मात्रक देखो, आवेश का मात्रक कूलम और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक। तो ये थे क्या सतत आवेश वितरण के प्रकार, तीन प्रकार से वितरित होता है, लंबाई के अनुदिश, किसी वस्तु की लंबाई भी हो सकती है, क्षेत्रफल भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है, इसके अलावा चौथा और नहीं होता। तो क्या आवेश घनत्व कितने टाइप का हो गया? तीन टाइप का। अब देखेंगे कि अब हमारे पास में इससे अगला टॉपिक क्या आएगा, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या इनसे डिफाइन होगा? एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी काम में आएगा उसमें, और ये आवेश घनत्व भी उसमें काम में आएगा। ठीक है, तो अब एक सिंपल सा हम क्या देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कल वाली क्लास का। तो देखना देखिए, एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कल वाली क्लास का, कि मान लीजिए कोई भी पृष्ठ है, पृष्ठ है, ठीक है, मैं मानता हूं ये पृष्ठ है, ऐसे इस प्रकार का एक पृष्ठ है मेरे पास में, इस प्रकार का पृष्ठ है। अब क्या इसमें से मैं क्या गुजारता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजारी मैंने ऐसे। अब इसके अंदर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या है? 15,000। ठीक है, और बाहर निकलने वाली की क्या है? 18,000।
संख्या है, तो मैं आपको यह पूछूं कि इसके फ्लक्स का मान क्या होगा। अब फ्लक्स मैंने कल आपको बताया था कि बाहर जाने वाली विद्युत बल रेखाएं और प्रवेश करने वाली विद्युत रेखाओं के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई को मैंने क्या फाई टू माइनस फाई वन, यहां पर फाई क्या है फ्लक्स और वो क्या है टोटल, ये क्या है बाहर जाने वाला फ्लक्स और ये बल रेखाएं, ये अंदर जाने वाली बल रेखाएं, ठीक है। तो फाई यहां पर क्या हो जाएगा 18000 माइनस 15000, तो बच गया क्या हमारे पास में 3000, तो फाई का मान क्या है 3000, ठीक है। तो ये था फ्लक्स। अब इसका मात्रक देख लीजिए, EdS होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र EdS हो गया ना, ऐसे होता है ना, तो E का मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र को हम क्या लिखते हैं E बराबर F अपॉन Q, तो न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या गया मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं किससे, कि जो सतत आवेश वितरण होता है ना उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी मान लीजिए वस्तु कैसी भी हो सकती है, उसकी लंबाई भी हो सकती है, उसका क्षेत्रफल भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, तो उस पर हम क्या देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।